हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किशोर कुक्स में, जहाँ मैं लाता हूँ आपके लिए खाने से रिलेटेड वीडियो। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए दाल मुरादा बाटी। तो हम देखते हैं इसको क्या क्या बनाते हैं, चलते हैं हमने किचन में, हम देखेंगे इसको क्या क्या कैसे बनाते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें यूज़ करेंगे मूंग दाल, जो कि मैंने सोख कर रखी है काफ़ी टाइम से, 15-20 मिनट। हम इसमें प्याज डालेंगे टॉपिंग के तौर पर, टमाटर यूज़ करेंगे, अदरक यूज़ करेंगे, चिली, ग्रीन चिली, और ये मिंट चटनी है और ये सॉल्ट चटनी है। हम इसको बटर यूज़ करेंगे और हींग हम यूज़ करेंगे इसमें, और नमक और हल्दी। तो जैसा कि मैंने ये मूंग दाल सोख कर रखी थी, तो मैं इसको वॉश करी थी 2 दिन टाइम, और उसके बाद हमने इसको सोख करा, जिससे कि ये बहुत फूल जाए। और तो फ्रेंड्स, हमने इसको बॉइलिंग पे रख दिया है। हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा सॉल्ट, और हम इसमें डालेंगे मक्खन, अमूल का मक्खन हमारे पास है इस टाइम। अब हम इसको बॉइलिंग पे छोड़ देंगे बिल्कुल, हमें अनटिल इसको मैश करना है, जैसे कि रबड़ी की तरह ये हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी दाल उबल चुकी है ये, बट हम इसे थोड़ा और मैसी करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल रबड़ी टाइप की लगे। 10 to 15 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें तड़का मारेंगे। तो हमने इसमें ये रिफाइंड ऑयल लिया। अरे फ्रेंड्स, तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही क्रैकल्स हो जाएंगे, हम इसमें चॉप अदरक, चॉप चिल्ली डालेंगे। फ्रेंड्स, तो हमारी दाल अब उबल चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पे तड़का हमने लगा दिया था, हम इसमें दाल डालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं, पर से टॉप टमाटर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये रोस्टेड जीरा पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे। हम इसमें ये मिर्च चटनी डालेंगे, और ये है टमाटर सॉल्ट चटनी। तो ये हमारी दाल मुरादाबादी डिश तैयार हो चुकी है। आप इसे घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।